नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां चोरी की फिराक में घर में घुसकर चोरों ने की मारपीट, लोहे की रॉड से हमला कर किया लहूलुहान। सोने के जेवरात समेत हजारों की नकदी ले उड़े चोर। पीड़ित ने कोतवाली पहुंच कर दी तहरीर। राट कोतवाली इलाके के बहपुर गांव का मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है हमीरपुर से। चोरी की फिराक में घर में घुसकर चोरों ने जमकर तांडव किया। मारपीट की गई है, लोहे की रॉड से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सोने के जेवरात समेत हजारों की नकदी ले उड़े चोर। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला राट कोतवाली इलाके के बहपुर गांव का है। हमीरपुर से जितेंद्र साहू की रिपोर्ट। रविंद्र कुमार, क्या घटना हुई है आज यहाँ पे? सर, चोरी का मामला हुआ है यहाँ पे। कुछ अज्ञात चोर रात में चार लोग घुसे तो यहाँ बाहर से, इधर से घुसे, ऊपर साइड से आए, मोटी साइड से, उधर से आके नीचे पापा लेटे हुए थे। तो उन्होंने पापा को देखा, ऊपर मम्मी लेटी हुई थी, उधर की कुंडी लगाते हुए नीचे आ गए। तो पापा लेटे हुए थे तो उन्होंने फिर पापा को, चार लोग थे डाक गए, तो पापा ने फड़फड़ाए तो पापा को मारा उन्होंने और जमीन में गिरा लिया, पटक पटक के मारा। और बाद में लोहे की एक राड मार गए। और यहाँ जब तक मम्मी ऊपर से चिल्लाने लगे, पापा चिल्लाने लगे, तो कुछ सामने वाले एक चौकीदार रहते हैं तो उन्होंने वहाँ से ललकारा कि ये कौन है। वो काफ़ी चिल्लाने लगे, वो भी लोग जुड़ने लगे, तो वो तुरंत दीवार फाड़ के चारों लोग द्वारे से निकल गए। कुछ चोरी है क्या? बहुत काफ़ी सामान सा चोरी हो गया है। क्या क्या गया? सोने का सामान था, उसमें एक जंजीर थी लगभग 20 ग्राम की और चार अंगूठी थी, लगभग वही 10 ग्राम हो गया, और मंगलसूत्र था और वो थी नगद भी गया। 47,000 रुपये रखा था घर में, उसी घर में तो वो ले गए। थाने में तहरीर दिए संबंध जी? अभी तहरीर दे के आए हैं, थाने में दी रात में, तो गए थे तो उपचार कराया सरकारी अस्पताल में। इसके बाद हम सुबह गए थे तो तहरीर ले आए हैं। क्या कहा अध्यक्ष महोदय जी? उन्होंने कहा हम यहाँ मौका मुआयना करेंगे और इसके बाद मुजरमों पर कार्रवाई करेंगे।